टाइगर किंगन पर पिछले कुछ दो दिन पहले कुछ लोगों ने तेज धार हथियार से हमला किया, जिसमें पहलवान काला हरिगढ़ के घुटने पर बहुत ज्यादा चोट आई। बताया जा रहा है कि इस दौरान ज्यादा चोट आने की वजह से पहलवान को हिसार रेफर कर दिया गया। वहीं काला हरिगढ़ को न्याय दिलाने के लिए उनके अखाड़े व गांव के लोग आदर्श थाना चीका पहुंचे। यह ऐसा मामला है जी, चार पांच रोज पहले एक जानलेवा हमला हुआ है, और जानलेवा हमला भी ऐसा हुआ है कि दो जेंट्स थे, जो जवान थे उनको गंडासियाँ लगी हैं। एक छोटा बच्चा था जो 4 साल का है, वो दहल गया है, और हम चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। आज इसीलिए इकट्ठे होके हम यहाँ पर पहुँचे। तो जो चोट लगी है वो कौन है? वो काला राम है, पहलवान है। इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका है, गांव का बहुत ही बढ़िया अच्छा। तो आज पूरा गांव यहाँ पुलिस स्टेशन में आया है? बलबेड़ा हरिगढ़ की, मतलब आसपास के गांव के लोग हैं जो सभी आए यहाँ इकट्ठे हुए। तो क्या चाहते हैं, क्या हो? हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई, अच्छी तरह कार्रवाई। कितने दिन की बात हो गई है? तीन दिन की बात हो गई। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस अभी कार्रवाई कह रहे हैं, आश्वासन दिया गया हमारे को, तो हम देख रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कोई भी गिरफ्तारी अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुई? अरविंद कुमार, अरविंद सिंह ये पहलवान था काला, हरिगढ़ मुंडू का रहने वाला है। ये 9 तारीख को इनका कुछ झगड़ा हुआ था शाम को, इसको पीट गए थे। ये अब एडमिट है, इसकी स्टेटमेंट लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। जो पर जिनके नाम है उनकी पुलिस रेड कर रही है, और इसकी डॉक्टरी ओपिनियन पेंडिंग है, अभी ओपिनियन लेके जल्दी मुलजिमों। सर जो हमलावर है वो कहाँ के हैं? सर ये पहलवान ही बता रहे, कोई पंजाब का पहलवान है, एक गोगल है लोकल। तो किन किन धाराओं के तहत मामला? ये हर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा का FIR दर्ज की है, इसमें मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ठीक है सर।